स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसी तीन बातों को शेयर करूंगा जिससे आपकी जो ऑनलाइन टीचिंग है वो बहुत इफेक्टिव हो सकती है। जैसा कि आप सभी लोग गूगल मीट का यूज कर रहे होंगे ऑनलाइन टीचिंग के लिए, तो आप डॉक्यूमेंट्स शेयर करना चाहेंगे अपनी मीटिंग के अंदर, और साथ में उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अगर आपको कुछ लिखना है या आपको अंडरलाइन करनी है, आपको हाईलाइट करना है, तो ये छोटी छोटी चीजें आप अपने गूगल मीट पे डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करते समय करना चाहेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे टूल्स के बारे में बताऊंगा या तीन ऐसी प्रोसेस आपको बताऊंगा जिससे आपकी जो ऑनलाइन टीचिंग है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। पहला तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप गूगल मीट पे जब क्लास ले रहे हैं तो डॉक्यूमेंट को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट, एक्सेल और पीडीएफ डॉक्यूमेंट, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, आप क्रोम टैब है उसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं ये चीज आपको कंप्यूटर से प्रेजेंट करके बताऊंगा और मोबाइल पे इसका डिस्प्ले भी दिखाऊंगा कि वो किस तरह से प्रेजेंट होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हम मोबाइल पे एनोटेशन का ऑप्शन यूज करते हैं अंडरलाइन करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, लिखने के लिए, वैसे ही हम ये जो चीजें हैं ये अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे किस तरह से कर सकते हैं व्हाइल यूजिंग अ गूगल मीट, व्हाइल यूजिंग अ डॉक्यूमेंट। इन सारी चीजों को हम एक साथ यूज करके देखेंगे आज इस वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो लोग मेरे वीडियोस को पहले से ही देख रहे हैं वो इस वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन पर लाइक करिए, क्योंकि आप जब लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ वो काम के हैं कि नहीं है। तो जितने ज्यादा हो सके उतना लाइक करिए। आप जब वीडियो देखते हैं तो एक सेकंड भी नहीं लगता लाइक बटन को क्लिक करने पे, तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो करिए और सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों के साथ इसे शेयर भी करिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन करना है और यहां पे आपको लिखना है ईपिक पेन, ठीक है दोस्तों। तो इस वेबसाइट की लिंक आपके सामने आ जाएगी, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ये वेबसाइट लोड हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये वेबसाइट जो है वो लोड हो गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड फॉर फ्री का सेक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे डाउनलोड का बटन आपको दिख रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये आपको नीचे पुश कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने सारे ऑप्शंस हैं जो कि परचेस वाले सेक्शन में अवेलेबल है। फ्री वाले सेक्शन में आपके पास सिर्फ पेन इरेजर एंड हाईलाइटर, स्क्रीनशॉट, क्रॉप टूल और 16 कलर्स अवेलेबल हैं। ये जो बाकी ऑप्शंस हैं ये आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, हम फिर भी इसको यूज करेंगे क्योंकि ये जो है ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है स्क्रीन के ऊपर कुछ भी लिखने के लिए। किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आप यूज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप उसके ऊपर हाईलाइट कर सकें, लिख सकें, तो ये जो टूल है ये एकदम बेस्ट टूल है कंप्यूटर के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं यहाँ से डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। इसको आपको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम में। जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आपके सिस्टम में इस तरह से शो होने लग जाएगा यहाँ पे। अब मैंने इसको यहाँ से ओपन कर लिया है, ठीक है दोस्तों। तो अब आप देखिए ये हमारे पास यहाँ पे आ गया है। इसे आप यहाँ ये जो पेन का जो निब वाला आइकन है इसके ऊपर क्लिक करके इस तरह से आप इसे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं जहां पे आप चाहें। आपने इसको अपनी स्क्रीन पे साइड में ले जाके रख दिया है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पिंक डॉट आपको दिख रहे हैं ये जो ऑप्शन है ये आपको अवेलेबल नहीं होंगे, उसके अलावा सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल है, ठीक है। जैसा कि आप चाहते हैं अगर एरो आप यूज करना चाहते हैं तो एरो आपका बाय डिफॉल्ट रहेगा। अगर आपने यहाँ से पेंसिल सिलेक्ट कर ली, अब पेंसिल में भी आप देखिए कि यहाँ पे ये दो चीजों के ऑप्शन है पेन और हाइलाइटर का, ये टाइपिंग करने वाला जो टेक्स्ट टूल है इसका ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो आप पेंसिल का यूज कर सकते हैं। यहाँ से आपको कलर्स मिल जाएंगे अलग अलग, ये कलर जैसे आपने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, यहाँ पे आप चेंज करेंगे तो ये कलर जो है वो चेंज होता जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कलर आपको मिल गया है, ठीक है। अब आप कुछ भी अपने स्क्रीन पर लिख सकते हैं इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब हाईलाइटर का यूज मैं आपको करके बता दे रहा हूँ। हाईलाइटर भी जो है वो सेम वैसा ही चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो निब है वो थोड़ी डार्क हो जाए, ठीक है, साइज का बढ़ जाए, तो आप यहाँ से ये जो साइज है यहाँ से साइज ले सकते हैं। ये देखिए ये हाईलाइटर आपको थोड़ा सा ओपेक कलर का दिखाई देगा और जो पेंसिल है वो आपको थोड़ी डार्क कलर की दिखाई देगी। ये देखिए ये पेंसिल है, ठीक है, और अगर आप क्लियर करना चाहें तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं इस तरह से। ये इरेजर है, यहाँ से आपने इसे लेके क्लियर कर दिया है, ठीक है। ये पेंसिल का यूज करके मैं आपको बता रहा हूँ वापस से एक बार, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं अपने स्क्रीन पे जहां चाहे वहां पे, ठीक है। तो ये टूल मैंने आपको बता दिया है कैसे यूज करना है। अब इसी टूल का यूज करते हुए हम
गूगल मीट पर अगर डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं तो जो आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये सारी चीज़ें दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती, ये भी मैं साथ में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं मेरे मोबाइल की जो स्क्रीन है वो भी यहाँ पे साथ ही साथ शो करूंगा ताकि आप देख सकें कि कंप्यूटर व्यू और जो मोबाइल व्यू है वो किस तरह से दिखाई देता है जब आप ये सारी चीजें यूज करते हैं। सबसे पहले मैं ऐसे इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे क्लियर ऑल का भी बटन है, आप उससे सारी चीजें एक ही बार में क्लियर कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्लियर का बटन है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक मीटिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रबर है तो ये काम नहीं कर रहा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरो टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे ही आपने एरो टूल सिलेक्ट कर लिया है ये देखिए सारी चीजें वर्क करने लग जाएंगी फिर से। तो अब मैं यहाँ से एक मीटिंग स्टार्ट करता हूँ और उस मीटिंग में मैं आपको डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करके बताऊंगा और इस टूल को कैसे यूज करना है वो भी बताऊंगा। जैसा कि मैंने अभी बता दिया है फिर भी मैं आपको एक बार वापस से डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा कि ये टूल कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट मीटिंग कर दिया है। अब मैं मेरे मोबाइल से भी ज्वाइन हो जाता हूँ। मैं आपको मोबाइल में भी बताऊंगा कि आपको एनोटेट कैसे करना है ताकि आपको कभी अगर मोबाइल में एनोटेट करने की जरूरत पड़े तो आप मोबाइल में एनोटेट कैसे कर सकते हैं। और मैं आपको मोबाइल में ये भी बताऊंगा कि आप अपनी मीटिंग को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, किस टूल का करके रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग के टाइम पे आप साथ में एनोटेटिंग का ऑप्शन भी जो है वो यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में मोबाइल स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए जो मैं रिकॉर्डर यूज कर रहा हूँ उसका नाम है AZ रिकॉर्डर, इसको आप यूज कर सकते हैं। अभी मैं इसके सारे फीचर्स भी आपको साथ ही साथ बताता जाऊंगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा AZ रिकॉर्डर है यहाँ पे आ गया है मोबाइल स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए ये AZ रिकॉर्डर की स्क्रीन जो है वो यहाँ पे आ गई है। ठीक है, जैसे ही आप इसे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे ये टूल आइकन आपको दिख जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा और साथ में ही ये ब्रश का ऑप्शन भी आपको दिखने लग जाएगा। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन यहीं कोने में मिल जाएगा और यहाँ पे एनोटेशन का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आ गए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ एनोटेशन का। ये देखिए इस तरह से मैं मोबाइल पे भी यूज कर सकता हूँ एनोटेशन का और यहाँ से मैं कलर और साइज भी चेंज कर सकता हूँ मेरे ब्रश का। ठीक है, ये देखिए, तो ये मैंने आपको यहाँ मोबाइल पे एनोटेशन कैसे करना है वो बता दिया व्हाइल रिकॉर्डिंग योर स्क्रीन। AZ स्क्रीन रिकॉर्डर का मैं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने मोबाइल पे जो है गूगल मीट को स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे देखिए मुझे ये कोड मिल गया है स्क्रीन पे। अब मैं इस कोड को यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। ये मैंने कोड जो है यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है और अब मैं मीटिंग में ज्वाइन हो रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ज्वाइन कर दिया है इस कंप्यूटर स्क्रीन से और यहाँ से भी मैंने ज्वाइन मीट पे क्लिक कर दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मेरे दोनों अकाउंट सेम हैं तो दोनों जगह एक ही चीज आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एनोटेशन का टूल बार मुझे दिख रहा है प्रॉपरली। अब मैं अगर यहाँ पे पहले मेरी स्क्रीन को प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आपको डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने के लिए योर एंटायर स्क्रीन को सिलेक्ट करना है और वीडियो प्रेजेंट करने के लिए क्रोम टैब सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये चीज मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ। वीडियो प्ले करने के लिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि आप गूगल मीट पे वीडियो को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बताने वाला हूँ। तो आपको योर एंटायर स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप करेंगे ये ऑप्शन आएगा, आपको इसको सिलेक्ट करके शेयर करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ गया है मीट google.com इज शेयरिंग योर स्क्रीन और आप मोबाइल पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है स्क्रीन वो दिखने लग गई। ठीक है, तो अब मैंने ये स्क्रीन तो प्रेजेंट कर दी। अब मैं आपको इस टूल का यूज करके बता देता हूँ कि ये टूल कैसा दिखाई देगा। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए जैसा आप कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखेंगे वैसा ही आपके मोबाइल स्क्रीन पर भी दिखाई देने लग जाएगा। और अगर आप मोबाइल को लैंडस्केप कर देते हैं तो आपको कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो प्रॉपर दिखाई देगी। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करके बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट को कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, आप जब एंटायर स्क्रीन करेंगे तो अब आप किसी भी चीज के ऊपर स्विच करेंगे तो वो स्क्रीन जो है वो डायरेक्टली प्रेजेंट होने लग जाएगी। जैसे कि मैंने अभी यहाँ से ये टैब को स्विच करा है तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। ये आपने क्या करा है, क्रोम का एक नया टैब जो है उसे ओपन कर लिया है जो कि मीटिंग के साथ में ही है। ठीक है, उसे आपने इस तरह से ड्रैग करके अलग कर लिया है और इसे आपने लार्ज कर दिया। देखिए ये जो पूरा पेज है ये शेयर हो गया है। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो पेज को प्रेजेंट कर सकते हैं। और मैंने एक और वीडियो जो बनाया था वो बनाया था कि स्क्रीन को दो पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं DLS ऐप से, तो वो भी आप वीडियो रेफर कर सकते हैं। उसमें भी मैंने बताया है कि अगर आप चाहते हैं कि आप मीट का विंडो भी देख पाए और साथ में
अपनी स्क्रीन भी शेयर कर पाए, तो ये जो डुएलस ऐप है, आप मीट पे जाके जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको रेशियो देगा। आप ये जो 3:7 रेशियो को क्लिक कर दीजिए तो मीट यहाँ पे स्मॉल रेशियो में आ जाएगा, और ये जो विंडो है ये आपकी जो है वो लार्ज रेशियो में यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से जो है वो आपकी विंडो यहाँ से इस तरह से आपको दिखाई देगी डुएलस ऐप का यूज करने के बाद। अगर आप चाहते हैं कि ये नॉर्मल हो जाए तो आप इसको वन कर दीजिए, तो ये देखिए पूरा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है वो आप अपने स्क्रीन को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको क्रोम टैब प्रेजेंट करके बता दिया। अगर आपको कुछ पिक्चर सर्च करके बतानी है तो आप यहाँ पे पिक्चर्स सर्च कर सकते हैं जो कि आपके पार्टिसिपेंट्स को दिखाई देती रहेगी। इस तरह से आप क्रोम टैब से सर्च करके उन्हें जो भी इमेजेस दिखाना चाहते हैं ऑनलाइन दिखा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर करके बता दे रहा हूँ डॉक्यूमेंट कैसे शेयर करना है। मान लीजिए एक पीडीएफ फाइल है, तो जैसे कि मैंने इसे प्रेजेंट करना शुरू करा, क्योंकि ये प्रेजेंट हो रहा है अभी, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बार बार दिखा रहा है दैट यू आर शेयरिंग योर स्क्रीन। इसका मतलब ये जो स्क्रीन है ये शेयर हो रही है, और आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप जैसे जैसे डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करेंगे ये यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पे दिखाई देगा, थोड़ा सा ब्लर दिखाई देगा, बट जैसे आप उसे स्टिल करेंगे तो वो जो है प्रॉपरली दिखाई देने लग जाएगा, क्योंकि स्ट्रीमिंग हो रही है तो थोड़ा सा टाइम लेता है वो एडजस्ट होने में और सारी चीजों को ट्रांसफर करने के लिए। अब आप यहाँ पे भी इस टूल का यूज कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, देखिए तो आप यहाँ पे भी कुछ भी अगर चाहे तो लिख के बता सकते हैं। ये जो पेन का जो साइज है इसे आप कम कर दीजिए, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ हाईलाइट करना है तो आप कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट की साइज को बड़ा करेंगे तो डॉक्यूमेंट जो है वो क्लियरली दिखाई देने लग जाएगा इस तरह से, तो आप उसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पीडीएफ फाइल जो है वो बता दी है कैसे प्रेजेंट करनी है। अब मैं आपको वर्ड और एक्सेल फाइल बता देता हूँ कि कैसे प्रेजेंट करनी है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे एक वर्ड फाइल बता देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे एक वर्ड फाइल है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये आपका एज अ व्हाइट बोर्ड भी वर्क आप इसका कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आप अगर कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस तरह से। अगर आप बच्चों को कुछ बताना चाहें तो आप बता सकते हैं एंगल्स बना के। ठीक है, या अगर आप लिख के बताना चाहते हैं तो आप लिख के बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी वर्ड फाइल है जो प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आ रही है, और ये प्रेजेंट भी हो रही है और शेयर भी हो रही है सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ में जो मीटिंग में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये वर्ड फाइल का हो गया है। अब मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बता देता हूँ। तो ये देखिए मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टार्ट करा तो ये भी यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे मैंने स्लाइड को कॉपी करा और पेस्ट करता गया तो ये देखिए इतने सारे जो स्लाइड्स है वो आ गए हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी प्रॉपर यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप अपने एक्सेल फाइल को भी प्रेजेंट कर सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़ रही है। अगर आप कंप्यूटर के प्रैक्टिकल करके बताना चाहते हैं तो आप अपने एक्सेल फाइल को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप गूगल मीट पे जब मीटिंग ले रहे हैं तो शेयर स्क्रीन करके आप किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं, और इस एपिक पेन का यूज करके आप एनोटेशन का काम भी आप कर सकते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा, इससे आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे प्लीज क्लिक करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपके कमेंट्स का जवाब मैं जरूर दूंगा, और इंतजार रहेगा आपकी क्वेरीज का, क्योंकि कुछ लोगों की क्वेरीज मेरे पास आई थी तो मैंने ये वीडियो बनाया है। और भी आप लोग अगर क्वेरीज अपनी भेजेंगे तो मैं जरूर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो ये जो वीडियोस हैं ये काम के लग रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे चैनल पे। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक बार एक नए वीडियो एक नए ट्यूटोरियल के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे एट होम।